जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर H3N2 वायरस को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं। एक्टिव केस थोड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को खांसी भी काफी लंबे समय तक रह रही है और पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा बढ़ा भी है। क्या आने वाले समय के अंदर फिर कोरोना जैसी कोई भयानक स्थिति पैदा होने वाली है या किसी और तरह के वायरस के एक्टिव होकर के उसके कोरोना जैसे हालात बनाने की स्थिति बनने वाली है? क्या स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बड़ी गाइडलाइन जारी होने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में जरूर होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। दर्शकों, 22 अप्रैल से ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बनेगा और गुरु चांडाल योग का मतलब ही यह होता है कि भ्रम की स्थिति पैदा होना, यानी जो चीज हमारे सामने होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसे आप सही भी नहीं कह सकते और वो गलत भी नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति 6 माह लगभग पूरी दुनिया के सामने रहने वाली है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर तो रहना ही रहना है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ परेशानियां बढ़ेंगी जरूर। यानी बीमारी है, ठीक होने में वक्त ले रही है, कोरोना भी नहीं है, किसी और वायरस की आशंका भी नजर आती है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता नहीं है। इसी तरह का सिनेरियो इस समय पर रहने वाला है। यानी लोग बीमार भी हो रहे हैं, परेशानियां भी हैं, 15-20 दिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं, सामान्य खांसी जो 5-6 दिन में ठीक हो जाती है आपको 1-1 महीना वो परेशान कर रही है, दवाइयां आप पर असर नहीं कर रही हैं, नए वायरस को लेकर के चिंता है, सरकार ये सोचे कि क्या गाइडलाइन जारी करे, डॉक्टर ये देखेंगे कि इलाज क्या दे, मरीज ये सोचेगा मैं इलाज कराऊं कहां, आखिर आयुर्वेद लूं, होम्योपैथी लूं, एलोपैथी की दवा लूं, घरेलू नुस्खे अपनाऊं, करूं क्या? ऐसी ही भ्रम की स्थिति अगले 6 माह अप्रैल से रहने वाली है। और अभी ये छोटे छोटे से आप जो घटनाएं देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाते हैं छोटी सी बीमारी को लेकर के और एंटीबायोटिक देने के बाद भी जो आप ठीक नहीं हो रहे हैं 10-10-15 दिन, ये सब एक छोटी सी शुरुआत है। ऐसी भ्रम की स्थिति बनेगी जरूर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मति भ्रमित करने वाली ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में बन रही है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही मोर्चे पर हमको भ्रमित करेगी, हर मोर्चे पर आप ऐसी स्थिति देखेंगे, राजनीतिक तौर पर भी देखेंगे, आर्थिक तौर पर भी देखेंगे, सामाजिक तौर पर भी देखेंगे, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देखेंगे, हर जगह पर आपको ये परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए अगले 6 माह अक्टूबर तक हर घटना को बहुत ही संजीदगी के साथ समझते हुए उसका अवलोकन करते हुए फिर आपको निर्णय लेना है। मैं एक वीडियो और आप लोगों को दूंगा कि इस समय पर किसी दैवीय चमत्कार की हमें कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अंदर हमें स्वयं को ही उससे मुकाबला करना है। जब कोविड का काल आया था, पूरी दुनिया के अंदर लोग परेशान थे, तब इस संसार के अंदर कोई दैवीय चमत्कार नहीं हुआ था। हम सब ने अपने अपने स्तर पर अपने आप को सकारात्मक रखकर इन परिस्थितियों का मुकाबला करके ही हमने अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकाला था। इसीलिए जब परिवर्तन प्रकृति करती है, परमात्मा करता है, तो दैवीय चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन जब परिवर्तन इंसान करने की कोशिश करता है और वो नेचर के अगेंस्ट हो तो फिर प्रकृति चमत्कार भी जरूर करती है, उसे आप सुधार प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं। तो वर्तमान में जो चमत्कार हो रहे हैं, मैं चमत्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारी समझ से बाहर हो वो चमत्कार ही है। तो नेचुरल डिजास्टर है, दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ये जो चमत्कार हो रहे हैं ये प्रकृति कर रही है, क्योंकि इंसान ने अपनी मनमर्जी की है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर
परिस्थितियां थोड़ी अलग तरह की होंगी, भ्रम की स्थिति रहेगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और धैर्य शांति के साथ हर चीज का अवलोकन करें और दिव्य शक्तियों का आवाहन जरूर करें। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।